नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिए जाने के बाद AIMIM पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर असंतुष्टि जाहिर की है। ओवैसी ने कहा है कि देश का नागरिक होने के नाते मुझे असंतुष्टि व्यक्त करने का अधिकार है, क्या हमें इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कोर्ट के फैसले से असंतुष्टि जाहिर करते हुए यह भी कहा है कि यह मेरा निजी विचार है। उन्होंने कहा है कि 5 एकड़ जमीन हमें खैरात में नहीं चाहिए, ऐसे ही मांगने चले जाएंगे तो हमें इससे भी ज़्यादा ज़मीनें मिल जाएंगी। अपने निजी घर का सौदा कर सकता हूँ लेकिन मस्जिद का सौदा कभी नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहा, कोर्ट उसी को ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाए जाने का आदेश दे रही है। अगर वहाँ पर मस्जिद होती तो भी क्या कोर्ट का यही फैसला आता। 134 वर्ष पुराने विवाद पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है और नई मस्जिद के निर्माण किए जाने के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इस फैसले को लेकर असंतुष्टि तो जाहिर की है लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि उस फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा, क्योंकि इस विवाद ने देश के सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करके रख दिया है। वहीं ओवैसी ने कहा है कि 5 एकड़ जमीन दिए जाने के मामले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्णय लेगी कि वे इस फैसले को मानते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।